नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जीशान जावेद आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा तरीन खबरों पर। पिछले दिनों रीवा में आंधी तूफान आया। इस तूफान में हजारों पेड़ जड़ से उखड़ गए। एक होर्डिंग गिरी जिसकी चपेट में आकर एक बैंक मैनेजर की मौत हो गई, जिसके चलते नगर निगम होर्डिंग लगाने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई के मूड में आया। उसने कार्रवाई का आगाज भी किया, लेकिन कार्रवाई कहां तक पहुंची यह सबको पता है। बैंक मैनेजर की मौत का जिम्मेदार कौन, यह एक बड़ा सवाल आज भी रीवा शहर के लोगों के बीच में तैर रहा है। हर व्यक्ति जानना चाहता है अपेक्स बैंक के मैनेजर देवेंद्र सिंह की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन। इसी के चलते पहले रायल राजपूत संगठन पुलिस अधीक्षक के पास ज्ञापन लेकर पहुंच गया। वहीं नगर निगम के वरिष्ठ पार्षद विनोद शर्मा ने भी इस मुद्दे को कई मंचों से उठाया। जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो विनोद पहुंच गए कमिश्नर रीवा के पास ज्ञापन लेकर और की कार्रवाई की मांग। ये 28 मई को शाम काल जो चक्रवर्ती तूफान आया था, उससे जो होर्डिंग गिरी थी उसमें अपेक्स बैंक के मैनेजर देवेंद्र सिंह जी की मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा की तो ये पता चला कि ये होर्डिंग जो है तो यूनिक एडवर्टाइजिंग कंपनी की थी। तो नगर निगम ने ये जानकारी दी कि ये होर्डिंग अवैध है, उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी थी, फिर भी वो होर्डिंग लगाई जा चुकी थी, उनके खिलाफ से हटाई नहीं गई थी। तो हम लोग ये चाह रहे थे कि जब होर्डिंग अवैध है तो एडवर्टाइजिंग कंपनी के मालिक ऊपर FIR दर्ज हो, गवाह कायम हो और मृतक परिवार को जो यथाउचित तो मुआवजा है वो मुआवजा दिलाया जाए। कि रीवा नगर निगम में किस प्रकार से सिलसिलेवार अवैध होल्डिंग का व्यापार चल रहा है, हमने पहले भी ज्ञापन दिया था इन्हीं कमिश्नर साहब को, आप सबके सामने 30 तारीख को। पर अभी हमको कुछ कागज़ और मिले, जब हम उसके अंदर गए तो हमको कुछ कागज़ और मिले कि ये जो अवैध होल्डिंग का रीवा का काला कारोबारी है ये किस प्रकार से नगर निगम को दीमक की तरह चूस रहा। मैं आपके सामने बताना चाहता हूँ कि ये अपना सारा व्यापार अपनी पत्नी अंजना सूरी के नाम करते हैं। इनका सारा रजिस्ट्रेशन अंजना सूरी के नाम है। इनका रजिस्ट्रेशन भी 31 दिसंबर 2019 को ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो अगले टेंडर हैं उस टेंडर के लिए इनको 13 मार्च 2020 को एक NOC जारी होती है। जिस व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन ही ख़त्म हो चुका हो 31 दिसंबर को, उसका रजिस्ट्रेशन 13 मार्च को कैसे जारी होता है, नंबर एक। नंबर दो, व्यापार पत्नी के नाम, NOC पति के नाम। नंबर तीन, इनके EPF अकाउंट सारा इनकी पत्नी के नाम और पेमेंट विभू सूरी के नाम। सब चेहरा दिखने में विभू सूरी आते हैं और नीचे अंदर अंजना सूरी। जब ये अपने पत्नी के साथ धोखा कर रहा, सोचिए पत्नी के नाम पे काला व्यापार कर रहा और सामने ये खुद रखता है। इनके कारण अभी आपको पता ही है कि रीवा नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत इनकी अवैध होल्डिंग से एक व्यक्ति की हमारे नगर निगम के अंदर ही यहीं पर आपको पता है मैनेजर की जान चली जाती है। 28 तारीख को जान जाती है, आज 6 तारीख है, आज तक उसमें हम ये कहते हैं पुलिस ये बताने को तैयार नहीं है कि वो जान कैसे गई, अवैध होल्डिंग से गई, किसकी होल्डिंग से गई, कैसे, आखिर आप सबके आपने देखा जान गई, मैनेजर था, कैसे गई। इन सब के लिए हम नगर निगम के उसमें आए, प्रशासक साहब को ये कागज़ दिए। हमारे नगर पालिक निगम रीवा के कुछ अधिकारी और कुछ कर्मचारी भी इनके साथ शामिल हैं, तो मैंने कहा आप व्यापक जाँच करिए। घटना की तह तक पहुँचने के लिए हमने तय किया, होर्डिंग जिनके नाम पर है उनसे भी बात की जाए। तो आइए आपको सुनवाते हैं इस बारे में विभू सूरी का क्या कुछ कहना है। देखिए, ये जो मेरे ऊपर एक आरोप लगा रहे हैं अनर्कल के, मेरा रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है, मेरा कोई रजिस्ट्रेशन खत्म नहीं हुआ। जब से मैंने व्यवसाय शुरू किया है तब से जो भी मैंने रजिस्ट्रेशन सरकारी जो रिक्वायर्ड थे, जरूरी थे, चाहे वो सर्विस टैक्स हो, चाहे वो GST हो या फिर वो पहले कमर्शियल टैक्स लगता हो, मेरे यथावत रजिस्ट्रेशन बने हुए हैं और उनका विधिवत पैसा भी जमा होता है। दूसरी बात, ये जो बात कर रहे हैं कि व्यापार पत्नी के नाम पे है और पति के नाम से NOC जारी हो रही है, पत्नी को धोखा दे रहे हैं, ये मुझे नहीं लगता कि ये मैं किसको धोखा दे रहा हूँ, अपनी पत्नी को दे रहा हूँ कि अपने पिताजी को दे रहा हूँ, ये इनसे कोई मतलब है महाशय से। ये अपना घर देखें, बेहतर होगा कि अपना घर देखें, अपने घर को चलाएं अच्छे से। इस तरह के अनर्गल प्रलाप करने से कोई फायदा थोड़ी है। जनता भी जानती है, सबको ही जानता है कि जो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जैसे हमारी मेरी पत्नी है वो कहीं जा नहीं पा रही, तो व्यापार यदि उनके नाम से है तो सरकारी आने जाने के लिए, टेंडर्स में भाग लेने के लिए, फाइनेंशियल
फाइनेंशियल मैटर्स को छोड़कर हर जगह मेरे को पावर ऑफ अटॉर्नी है दस्तखत करने की, उनके बिहाफ में बात रखने की, उनके बिहाफ में टेंडर डालने की। ये संविधान से ये नियमता है, ये कहीं अलग नहीं है। हर पढ़ा लिखा 10वीं 12वीं क्लास का बच्चा ये जानता है। तो इस तरह के अनर्गल बातें करने से अपने खुद के हंसी के पात्र बन रहे हैं ये लोग। और अब मैं काफी समय से चुप था, इनको जवाब नहीं दे रहा था, पर अब ये जिस तरह के फालतू की बातें ये लगातार किए जा रहे हैं, इसके लिए मैंने इनको कानूनी नोटिस भी भेजने का निर्णय कर लिया है। और जल्द ही ये कोर्ट के सामने बताएंगे कि ये इन्होंने पिछले कई वर्षों से जो अवैध 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 चिल्ला चिल्ला के जो बयान दिए हैं वो किस आधार पे दिए हैं। ये अवैध होर्डिंग क्यों नहीं हटवाते? हटवाएं अवैध होर्डिंग, खड़े हों कि ये अवैध होर्डिंग है। पहले आपने सुना रायल राजपूत संगठन को, उसके बाद पार्षद विनोद शर्मा। इस पूरे मसले पर विभू सूरी ने भी क्या कुछ कहा, हमने आपको वह भी सुनवाया। अब आपको ही तय करना है इस घटना के पीछे क्या वजह थी और किस तरीके से ये घटना हुई, इसका जिम्मेदार कौन। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।